जांजगीर चांपा जिले में लोहारसी शासकीय हाईस्कूल से लगभग 200 मीटर दूरी पर देसी अंग्रेजी शराब दुकान संचालित है और उसके सामने चुकना सेंटर का संचालन हो रहा, जहां पर शराबियों का दिन भर जमावड़ा बना रहता है। और तो और उस सड़क की हालत इतनी बदतर है कि गड्ढे पर सड़क है या फिर सड़क पर गड्ढे, कुछ समझ नहीं आता। और इसी जर्जर सड़कों के सुनसान रास्ते से ही गुजरकर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का आवागमन होता है, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र काफी डरे रहते हैं, जहां उन मासूम छात्रों के साथ कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना होने का भय बना रहता है। दिक्कत होती है खासकर बरसात के टाइम में, और मतलब बस रोड के ज्यादा प्रॉब्लम होता है। भट्टी है लेकिन कुछ बोलते नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, बस यही प्रॉब्लम होते हैं। रहते हैं रहने के लिए लेकिन कुछ बोलते नहीं है रोड। सर इसमें मतलब आने जाने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है कि इसमें गड्ढा बहुत है रोड पे। सामने यहाँ शराब दुकान भी है, वहाँ चिकना सेंटर लगता है, क्या किसी प्रकार का शराबियों द्वारा कुछ यहाँ पर बदल किया जाता है क्या? सर हम लोग आते जाते रहते हैं तो गाली गलौज बहुत। बलौदा बाजार के नगर पंचायत लवन वार्ड 4 लखन डोगरे के मकान में अचानक आग लग गई। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग को बुझाने में नगर निगम की गाड़ी को बुलाया गया था। लखन डोगरे जो वर्तमान में नगर पंचायत लवन में सफाई का काम करते हैं, आपको बता दें कि महिलाएं शिव की पूजा करने के लिए ईश्वर के मंदिर गई थी, जहां पर उन्होंने उस मंदिर में जो दिया जलाया था उस दिए को उठाकर अपने घर में रख दिया, जहां पास में रखे कपड़े में वो आग लग गई और आग से पूरा घर जलकर राख हो गया। वहीं नगर पंचायत की सीएमओ कार्यकर्ताओं ने उसकी घटना की स्थिति देखकर तत्काल सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपए दिए, ताकि उनको जरूरी सामान लेने में आसानी हो। में कर्मचारी जो हमारी सफाई जो दरोगा उनके माध्यम से ये सूचना मिली कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं ये लखन डोगरे, उनके यहाँ आग जलने की घटना हुई है। तो और मेरे यहाँ मेरे द्वारा जाकर स्थल में ये देखा गया कि आग लगना पाया गया, और तत्कालिक सहायता के रूप में नगर पालिका के द्वारा लखन डोगरे को 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। हम लोग क्या काम करने जाते हैं 8 बजे, तो मेरा मिसेस ने पूजा पाठ की थी तो दिया लगाए थे। 8 बजे काम करने गए थे हम लोग, और 8 बजे गए थे तो यहाँ आग लग गया था घर में आग लगा। तो पड़ोसी ने बताया था कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे घर में आग लगा है। तो आके देखते हैं तो सही में आग लगा हुआ था। तो पड़ोसी ने और कुछ बहुत लोग आए थे कुछ हेल्प करने, हेल्प भी किए, पानी ने मारे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के महापुरुषों और आस्था के केंद्रों को जनभावनाओं के अनुरूप नई पहचान देने के लिए 2 अलग स्थानों गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदलने के निर्देश दिए। अब गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी और सोनाखान को शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। शासन द्वारा शीघ्र ही राजपत्र में इन दोनों स्थानों के नए नामकरण संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन भी किया जाएगा। सोना खान एक शहीद की भूमि है, वीर भूमि है, रक्त रंजित भूमि है। आजादी की लड़ाई में यहाँ से आहुति दिया गया, इसको धाम के नाम से परिभाषित करना इस वीरभूमि के लिए एक घृणित कृत्य है। सोना खान धारा आजादी के लिए जाना जाता है, जिसको धाम के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजपत्र में अंकित करना एक निंदनीय घटना है। धाम की परिभाषा क्या है? मथुरा धाम, माया धाम, काशी धाम, कांची धाम, पुरी धाम, अवंती धाम, धाम सोना खान एक शहीद की भूमि। मैं तो अपने व्यक्तिगत राय शासन से अवगत कराता हूँ शासन को। गिरौदपुरी धाम को सभी जानते हैं, पूरा विश्व में और पूरा भारतवर्ष में जानते हैं। जैसे गिरौदपुरी का नाम अभी
गुरु घासीदास के नाम से रखा गया है, वो किरोतपुरी धाम नामकरण रखा बदला जा रहा है, उनको पुनः ही वैसी वैसी रखा जाए, ऐसे मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि किरोतपुरी धाम को पुनः किरोतपुरी धाम के नाम से जाना जाए, न कि गुरु घासीदास के नाम से, बल्कि हमारे बलौदा बाजार भाटापारा जिला है, उनको बाबा गुरु घासीदास के नाम से जिला बनाया जाए, उनका नामकरण भाटापारा बलौदा बाजार न करके गुरु घासीदास बाबा के नाम से एक जिला के रूप में उनको विस्तार किया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।